अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन कही पठाई ये बात तुरत समय प्रभु सन कही पाई सु अब सरता। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तार सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुनि अति सुख माना तात मनुज तब नीति विभूषण सो उर दर जो कहत विभीषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीति विभीषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात कीर्तिमान हैं। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिप उत्करस कहत सठ दो दूरी न करो इहां है को माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही नाथ पुराण निगम अस कही जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है, जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख ही रहती है। तब और कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानो रिप प्रीता काल रात निश्चर कुल केरी ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हो, जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गए मागहु राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। हे तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ अर्थात विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिससे आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही भी भीषण नीति बखानी सुनत दशासन कोठारी साई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों पुराणों और मंत्रों द्वारा समत वाणी से नीति बखान कर कही
पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मूढ़ तो ही भावा। तास नखल अस को जग माही, उज्जवल जाही जीता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जियाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल्ला है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता न हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सख मिलो जाति नहीं कहु नीति। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बारा। रावण कहता है, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई की है बड़ाई, मंद करत जो करहिं भलाई। तुम पितु सरिस भले हो मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि बे बुराई पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पत गयो, सब ही सुनाई कहत अस भयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।